सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन जातकों का जन्म शुक्रवार या शनिवार को होता है उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। ज्योतिष के अंदर हम राशि और जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। कुछ ज्योतिष ऐसे भी है जो मानते हैं कि व्यक्ति का जन्म जिस वार को हुआ हुआ होता है उसका भी उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहता है। अगर जातक का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है यानी कि शुभ है तो ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय, कलाप्रिय और तेज दिमाग वाला होता है। ऐसे लोगों की विचारसरणी होती है वो आधुनिक होती है और अपने काम और अपनी सोच के माध्यम से दूसरों को ये लोग आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। दिखने में भी ये लोग काफ़ी आकर्षक होते हैं और दूसरों को आकर्षित ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर उनकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव अच्छा नहीं है यानी कि शुक्र नीच है तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति भोग विलास में ज़्यादा खर्च करते हैं। भोग विलास में ये लोग ज़्यादा खर्च भी करते हैं, ज़्यादा उनका समय भी जाता है और आराम की ज़िंदगी जीना ये लोग पसंद करते हैं। अगर शनिवार को जातक का जन्म हुआ है तो उनके ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर शनि का जो स्थान है उनकी कुंडली में अगर शुभ है तो ऐसे व्यक्ति कलाप्रिय, न्यायप्रिय होते हैं, कर्मवान और सिद्धांतवादी ऐसे लोग माने जाते हैं। दूसरा एक उन लोगों का प्लस पॉइंट ये है, अगर उनका शनि शुभ है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर धनवान माने जाते हैं और शनि की कृपा दृष्टि हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर शनि का स्थान शुभ नहीं है, शनि अगर उनका बलवान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति दुर्बल होते हैं, गुस्सेल मिजाज वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति अक्सर रोग से कई बार पीड़ित भी रहते हैं। तो इस तरह से शनिवार और शुक्रवार को जिन जातकों का जन्म होता है तो ज्योतिषी के अनुसार उन लोगों का व्यक्तित्व, उनका स्वभाव इस प्रकार से होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।